यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, अध्यापकगण, हमारे स्टाफ के सभी सदस्य, आज गीता हम लोग सुनेंगे। गीता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आठवें अध्याय का आठवां श्लोक मैं थोड़ा समझाऊंगा अच्छी तरह से उसके अर्थ को, फिर थोड़ा सा आज के वैज्ञानिक संदर्भ में हमको कैसे उसको जानना चाहिए और उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या क्या जरूरी चीज़ें समझने की। भगवान ये कहते हैं कि पार्थ अनुचिंतन, हे पार्थ तुम मेरा चिंतन करो, भगवान के चरणों में तुम पहुँचोगे। तो ये जो भगवान कह रहे हैं वो क्या बात है आखिर समझने की कोशिश करेंगे। जो रास्ता है ये बड़ा कठिन है, साधना का रथ पथ विघ्नों से भरा है, तो इन विघ्नों से हमें पार होना पड़ता। आंतरिक जगत के विघ्न, बहिर्जगत के विघ्न। बाहर शोर शराबा है, कोई हल्ला मचा रहा है, कोई चिल्ला रहा है जोर जोर से, और अंदर जो है हमारा अंतरंग जो है उसमें ही कहीं बहुत सारी कोहराम मचा हुआ है। हम परेशान हैं, बहुत सारी चिंताओं में दुखी हैं, हम लोग विघ्न हैं। ये जो विघ्न हैं, साधना के विघ्न, इनको कैसे मिटाया जाए, आज का जो मूल विषय है साधना के विघ्नों का शमन, साधना के विघ्नों का शमन, इनको कैसे शमन किया जाए ये आज हम बात करेंगे। हमारा सारा जीवन जो है वो एक संग्राम है, लड़ना है, जिंदगी एक जंग है। और इस जंग में रोज़ हमारे सामने चुनौतियाँ आती रहती हैं, रोज़ तरह तरह की चुनौतियाँ आती रहती हैं। जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ, जहाँ मैं बैठ करके गायत्री परिवार के सब समस्त क्रियाकलापों को देखता हूँ, नित नई चुनौतियाँ, सुबह से शाम तक तरह तरह के चैलेंजेस, तरह तरह के मैसेजेस, तरह तरह के फ़ोन, तरह तरह के ईमेल, ये सब आते रहते हैं मेरे पास। तो उनमें क्या होता है, कई बहुत डिस्टर्बिंग भी होते हैं, कई परेशान करने वाले भी होते हैं और कई बहुत अच्छे भी होते हैं। तो ये जंग है, विघ्न हैं जो आपको कहीं भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। इनसे कैसे मुक्ति लें, ये संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी। इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी। कोई भिखारियों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। स्वयं से कलुषों से, कलमशों से, भोगों से, वासना से, रोगों के राक्षसों से, आओ लड़े
स्वयं से कलशों से कलमसों से भोगों से वासना से रोगों के राक्षसों से। बंधन वही बनेगा जो आग पर चढ़ेगा, वही बनेगा जो आग पर चढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। को है उन ठाकुरीतियों ने, व्यसनों ने रूढ़ियों ने निर्मम नीतियों ने। मेरा समाज को है उन ठाकुरीतियों ने, व्यसनों ने रूढ़ियों ने निर्मम नीतियों ने। इनकी चुनौतियों से है कौन जो भिड़ेगा, इनकी चुनौतियों से है कौन जो भिड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। चौहान कौरवों की सेना खड़ी हुई है। क्या पार्थ इन क्षणों में व्यामोह में पड़ेगा, क्या पार्थ इन क्षणों में व्यामोह में पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। अभी इस गीत में एक बात आई, व्यसनों से हमें लड़ना है। व्यसन जो हैं वो दुनिया आदमी को खाए जा रहे हैं बिल्कुल, किस तरह से तंबाकू, शराब, सिगरेट, स्मैक और तरह तरह के नशे, एडिक्शन खाए जा रहे हैं। परसों मैं लखनऊ जा रहा हूँ, करीब करीब 20,000 लोगों की गैदरिंग होगी, रैली होगी, और हम वहाँ जो राज्यपाल महोदय आएंगे, हमारे देश के गृह मंत्री आ रहे हैं राजनाथ सिंह जी, और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, इनकी प्रेजेंस में मैं 1 करोड़ सिग्नेचर उनको प्रस्तुत करूंगा। 1 करोड़ सिग्नेचर उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश को व्यसन मुक्त बनाया जाए, पूरी तरह से व्यसन मुक्त बनाया जाए उत्तर प्रदेश। और इन 1 करोड़ प्रतिनिधियों में से बहुत सेलेक्टेड प्रेजेंटेशन हर गांव का, हर जिले का इसमें होगा, और ये एक प्रकार की एक बहुत बड़ी क्रांति है जो हम करने जा रहे हैं, व्यसन मुक्ति आंदोलन, व्यसनों से आदमी मुक्त हो। तो ये परसों में जाऊंगा, और मैं फिर 9 तारीख को लौटाऊंगा, दो दिन बाहर रहूंगा, इसलिए बता रहा हूँ कि तुमको तुम्हारी जानकारी में रहे, और ये भी कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है, हम लोग किस तरह से क्रांतिकारी कार्यक्रमों को हाथ में लेते हैं। ये पिछली बार के 2 प्रश्न रह गए थे, मैं उनको सुना दूँ। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद में उपासना के 5 प्रकार बताए हैं। ये रामानुजाचार्य जो हैं, ये रामानुजाचार्य भी और तुलसीदास जी भी, दोनों ही विशिष्टाद्वैतवाद के हैं। एक होता है द्वैतवाद, अब जहाँ दो हैं वहाँ भय है, यतो द्वैतः ततः भयः, जहाँ दो हैं मैं भगवान से मिल नहीं सकता, क्योंकि मैं जीव हूँ और वो भगवान है, तो जहाँ दो हैं वहाँ भय है, और जहाँ अद्वैत है वहाँ भय नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर संभावनाएँ छिपी हुई हैं भगवान से मिलने की। अद्वैत यानी दोनों मिलकर के एक। ये जो गीता है ये अद्वैत का ग्रंथ है, यह अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है। वेदांत अद्वैत है, जहाँ दो नहीं है, एक ही है, एक ही बस परमेश्वर। परमेश्वर मेरे अंदर भी है, परमेश्वर परमेश्वर के अंदर भी है। मैं परमेश्वर के साथ मिल सकता हूँ, परमेश्वर से मिल सकता हूँ, मैं मर्ज हो सकता हूँ, ये गीता का टीचिंग है। और जो विशिष्टाद्वैत है, ये द्वैत और अद्वैत के बीच की पकड़ है,
द्वैत और अद्वैत के बीच की कड़ी है, द्वैत और अद्वैत के बीच की। अरण्य कांड की दोहा संख्या 33 में वर्णित चौपाई है, सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावई संता पूज्य विप्र सील गुणहीना शूद्र न गुण गन ज्ञान प्रवीण। इस दोहे को समझने में बड़ी परेशानी हो रही है। ये जो चौपाई है इस संदर्भ में कही जा रही है कि गोस्वामी जी तो ब्राह्मणों की तारीफ कर रहे हैं, तो ब्राह्मण उनकी नज़र में कौन है? उनकी नज़र में वो ब्राह्मण है जो श्रेष्ठता को जीवन में उतारता है, जाति से ब्राह्मण नहीं, जाति से ब्राह्मण नहीं। कहीं भी तुलसीदास जी ने ब्राह्मण को जाति से नहीं माना है, इसलिए ये मान लेना कि जाति वाला ब्राह्मण तो इन्होंने खड़ा किया है अपने 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 इन लोगों ने जो हमारे यहाँ जातिवाद के पक्षधर बन के आ गए ना। अभी जो पिछले दिनों संग्राम हुआ, लड़ाई हुई पूरे देश में दलितों के द्वारा और अदलितों के द्वारा और सवर्णों के द्वारा और वर्णों के द्वारा, सब दुनिया भर की लड़ाई जो हुई, ये सारी की सारी लड़ाई इसलिए आ रही है, इसलिए पैदा हो रही है कि हम लोग वस्तुतः हम लोग जो हैं अपने आप को अज्ञान में बांधे हुए हैं। और ताड़ना भी दे सकता है, परुष कहंता और कठोर वचन भी कह सकता है, विप्र पूज्य अस गावई संता। और ऐसे ब्राह्मण शील और गुण से हीन भी हों तो भी पूजनीय हैं, और गुणों से और ज्ञान में निपुण शूद्र भी पूजनीय नहीं है। इसका मतलब जाति से नहीं है, शूद्र वो है जो भगवान ने गीता में कहा है, चौथे अध्याय का 13वां श्लोक, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने ये गुण कर्म और सब के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को अकर्ता ही जान, मैं करने वाला नहीं हूँ। पर ये एक स्वाभाविक क्रम में चार चीज़ें तय हो जाती हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है जो ज्ञान की उपासना करता है वो ब्राह्मण, जो बल की उपासना करता है वो क्षत्रिय, और जो धन की उपासना करके धन का रोलिंग बनाए रखता है, धन का प्रवाह बनाए रखता है वो वैश्य, और जो इन तीनों से रहीन है, उसके पास न ज्ञान है न पैसा है न बल है, पर वो सबकी सेवा करता है, वो शूद्र है। तो ऐसे में इन चारों चीज़ों को समझने के बाद इस दोहे को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है कि ये दोहा किस संदर्भ में, क्योंकि इसके तुरंत बाद अरण्यकांड में, इसके तुरंत बाद जो है 33वें दोहे के बाद 35वें में उन्होंने उसको हमारी जो ये नवदा भक्ति का प्रसंग है उस प्रसंग में शबरी को नवदा भक्ति का प्रसंग सुनाया है पूरा कि तू शूद्र है तू नारी है, वो दोनों ही चीज़ें जनता की निगाह में ऐसी हैं जो गलत है, शूद्र और नारी। अब ये उस तत्कालीन प्रसंग में देखो, तत्कालीन 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के आसपास ये जो हुआ होगा उस समय ये कि मान्यता ये रही होगी, उस मान्यता के अनुरूप तू सुनने लायक नहीं है, पर भगवान राम कहते हैं मैं तुझे वो भक्ति सुनाऊंगा क्योंकि तू भक्ति की प्रतीक है और तुझे नौ प्रकार की भक्तियाँ सुनाऊंगा। तो ये उस प्रसंग के साथ पहले आया है, इसलिए कहीं भी तुलसीदास जी ऐसी बात नहीं कहेंगे जो आज की परिस्थितियों में हम लोग ये माने ये गलत है। अथर्वेद का मंत्र कहता है कि गायत्री मंत्र के जाप से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, सुदामया वरदा वेद माता प्रचोदयंता पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्ता व्रजत ब्रह्मलोकन। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं सभी लोगों के साथ ब्रह्मलोक भी नष्ट हो जाएगा, उनका ब्रह्मलोक दूसरा है, श्री कृष्ण भगवान जो समझा रहे हैं। और यहाँ जो ब्रह्मलोक जो है वेदों में जो कहा गया है वो वाला कहा गया है जहाँ तक आदमी की पहुँच है, जहाँ तक आदमी की पहुँच है, वो निर्वाण के बाद कहाँ तक पहुँचता है, ब्रह्मलोक तक पहुँचता है, उसके बाद फिर भगवान के हाथ में है कहाँ तक पहुँचाना, अर्थात गायत्री जपने से समाप्त होने वाला को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में क्या गायत्री जपना चाहिए? बिल्कुल जपना चाहिए भैया, आप रास्ते में तो जाओगे, कम से कम यहाँ से जाओगे दिल्ली तो कम से कम गाजियाबाद तो पहुँच जाओ, गाजियाबाद तक पहुँच जाओगे तो उसके बाद दिल्ली पास ही है, नज़दीक नहीं दूर नहीं है, तो ब्रह्मलोक तक तो पहुँच जाओ, उसके बाद भी भगवान आगे पहुँचा देंगे सहारा देके, ठीक है। तो इसलिए ब्रह्मलोक जो है वो कोई गलत चीज़ नहीं है। आदिगुरु शंकराचार्य के अनुसार षट संपत्ति शम दम प्रति तितिक्षा श्रद्धा समाधान विवेक वैराग्य के स्थान पर, तो हम लोग श्रद्धा समाधान जो संपत्ति के दो अंतिम चरण भारत के जीवन में कैसे समझें? देखो ये जो है आदिगुरु शंकराचार्य का वेदांत के अनुसार मत है, अद्वैत के अनुसार, और हम जिस मत को यहाँ समझा रहे हैं विवेक वैराग्य के स्थान पर, तो ये इसलिए समझा रहे हैं कि इसमें भरत के जीवन में जो लागू होते हैं
श्रद्धा समाधान यहाँ नहीं है, पर यहाँ जो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है मद मत्सर, जो पंच षट संपत्ति हैं, षट विपत्ति हैं, उनको कैसे समाधान किया जाए, उनका कैसे समाधान किया, तो उस प्रसंग में उसका समाधान है। इसलिए इसको इस रूप में लिया जाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी जो पूर्व जन्म की वाल्मीकि थे तथा माँ सीता में के भी पिता कहलाते थे, फिर अगले जन्म में 30 वर्ष तक इनकी स्थिति कैसी रही, ऐसी क्यों रही? बड़ा ऐसा तो नहीं है कि वे गोस्वामी तुलसीदास जी पिछले जन्म में वाल्मीकि रहे होंगे, क्योंकि दोनों के भी पीरियड में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। वाल्मीकि जी जो हैं बहुत पुराने ऋषि हैं, वैदिक काल के ऋषि हैं, और गोस्वामी जी अभी के हैं, इस समय के 14वीं-15वीं शताब्दी के। इसलिए ऐसा तो नहीं है, पर फिर भी ये मानना चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि को जन जन तक पहुँचा दिया बाय अवधि भाषा के माध्यम से। इसलिए उनका काम तो बहुत बड़ा माना जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम किसी की मदद करें और वह फिर उसके बाद हमें अच्छा प्रतिभाव न दे, तो हमें इग्नोर करें, तो क्या फिर उसकी मदद करनी चाहिए? आप प्रतिक्रिया के लिए करते हो किसी की मदद, कि कोई प्रतिक्रिया कैसे होगी? प्रतिक्रिया मत लो किसी की, निष्काम भाव से करो मदद अगर करनी है तो। उसके लिए ये मत बोलो कि भाई तू हमको थैंक्स बोलेगा कि नहीं बता, नहीं न बोले तो भी कोई बात नहीं है, बोले तो भी कोई बात नहीं, इसलिए चिंता की बात नहीं, आप तो करे जाओ, बस करे जाओ। आज हम जो है गीता के साथ जो पढ़ेंगे वो योग दर्शन भी पढ़ेंगे, पहले गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्रिवत्लालेत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। आज का जो श्लोक है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानु अनचिंतयन्। इसको ऐसे लिखेंगे, शुरू से ऐसे करेंगे, पार्थ, इसको फिर से लिख लो एक बार ताकि अर्थ समझ में आ जाए। पार्थ अभ्यास योग युक्तेन न अन्यगामिना चेतसा अनुचिंतयन। इसी श्लोक के अलग अलग शब्द अलग अलग जगह रखे हुए हैं, वो गूंथ दिए जाते हैं छंद के रूप में बनाने के लिए, पर वास्तव में इनका अर्थ क्या है वो बता रहा हूँ। अनुचिंतयन परमं दिव्यम पुरुषम याति, परमं दिव्यम पुरुषम याति। अब इसका मैं अर्थ बता देता हूँ। पार्थ का मतलब है पार्थ, यह नियम है कि, ब्रैकेट में लिया है कि यह नियम है, यह इट इज़ एब्सोल्यूटली सृष्टि लॉ, सृष्टि का नियम है कि अभ्यास योग युक्तों ने परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास योग से युक्त अभ्यास योग युक्त ने, जो परमेश्वर का ध्यान है उसका अभ्यास करते आदमी न अन्य गामिना, दूसरी ओर न जाए उसका चित्त, दूसरी ओर न जाने वाले, फिर क्या है, परमेश्वर ही ध्यान में बने रहे कंटिन्यूस। चेतसा मतलब चित्त से, अनुचिंतयन निरंतर चिंतन करना। देखो स्मर अनुस्मर, स्मरण और अनुस्मरण, बार बार अनुस्मरण, बार बार स्मरण, चिंतन अनुचिंतयन, अनु लग गया विसर्ग तो इसके बाद इसके साथ ही जुड़ जाता है, निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य। अब तीन शब्द एक साथ आए हैं, परमम पुरुषम, परमम दिव्यम पुरुषम यान्ति। परमम यानी परम प्रकाश स्वरूप, दिव्यम यानी दिव्य, पुरुषम यानी परमेश्वर, पुरुष यहाँ परमेश्वर के रूप में यूज हुआ, यान्ति प्राप्त होता है वो परम पुरुष जो दिव्य हैं उन्हीं को प्राप्त होता है अगर वो अनुस्मरण करता रहे,
अनुस्मरण करता रहे, अनुचिंतन करता रहे, निरंतर चिंतन करता हो। तो यहाँ सबसे बड़ी महत्ता जो है इस श्लोक में भगवान जो है थोड़ी देर बाद ये बताने वाले हैं। इसके पहले बता चुके हैं वो, एक सातवां श्लोक में एक चीज़ बता चुके हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, हर समय मेरा युद्ध कर, सातवां श्लोक, मय्य अर्पित मनोबुद्धि मामे वेश्यसि अशंचयम्, जो मुझे अर्पित बुद्धि होती है वो मुझे प्राप्त होती है। उन्हीं में मन लगाओ, उन्हीं में बुद्धि लगाओ, उन्हीं में मन लगाओ, उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करो, उन्हीं में बुद्धि का इन्वेस्टमेंट करो। शेयर खरीदते हैं तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे ही हम अपने मन और बुद्धि का इन्वेस्टमेंट किस में करें? परमात्मा में, भगवान में, श्रेष्ठता में, श्रेष्ठ गुणों में, सद्गुणों में, ये हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ऐसे एक श्लोक है गीता का 12वां अध्याय का, जिसमें भगवान ने ये कहा है कि बारहवें अध्याय का 8वां श्लोक, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मेरे में ही मन को लगा, मेरे में बुद्धि को लगा। मन और बुद्धि अलग अलग चीज़ें, मन डीपर है स्टेट, बुद्धि सुपरफिशियल है इंटेलिजेंस। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, निवेश, निवेश शब्द क्यों यूज़ किया? निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, मेरे में ही लगा और कहीं मत लगा, इधर उधर मत लगा। निवेशस्य मय्येव, तो मुझ में निवास करेगा, तो इसके बाद इसमें कोई संशय नहीं है। अत ऊर्ध्वम, और तू ऊंचाई की जाएगा, ऊंचाई की ओर जाएगा, ऊर्ध्वम, तू जरा भी मन में मत सोचना कि तेरा मन इधर उधर जाएगा। मन जैसे ही तूने मुझ में लगाया, बुद्धि मुझ में लगाई, तो तू मुझसे जुड़ जाएगा। ये कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं और तुम्हारे लिए ये जानने योग्य हैं। ये जो अभ्यास योग है, इसका मतलब है कि अभ्यास सतत निरंतर, बार बार किसी चीज़ पर चिंतन, बार बार किसी चीज़ पर चिंतन। जब तुम्हारा क्लास, तुम्हारी एग्ज़ाम होती है तो एग्ज़ाम के साथ साथ तुम्हारा विषय पर चिंतन चला जाता है, इस विषय पर क्या क्या प्रश्न आएंगे, ये आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, तो बार बार उन्हीं को सोचते हो। मैं जब अखंड ज्योति बनाता हूँ तो अखंड ज्योति के साथ साथ मैं बार बार उन अखंड ज्योति के विषयों पर सोचता रहता हूँ कि क्या क्या विषय होंगे, क्या क्या विषय, क्या क्या हो सकता है, इस पिछले में क्या लिया था, इसमें क्या लेना चाहिए। मैं लेख लिखता हूँ उसके लिए भी, और मैं जब लेक्चर देने जाता हूँ तो लेक्चर के लिए भी शुरू में सोचता हूँ कि किस किस विषयों पे मुझे बोलना होगा, तो उन विषयों पे मैं चिंतन करता हूँ। तो ये भगवान कहते हैं इसकी बड़ी महिमा है अभ्यास योग की, अभ्यास योग, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, कांस्टेंट प्रैक्टिस, कंटिन्यूस प्रैक्टिस, निरंतरता। जो निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, वो अगर बनी रहे तो फिर आदमी का कभी भूलने का स्वभाव नहीं बनेगा, हमेशा बना रहेगा। मनन किया जाए, बार बार किसी चीज़ पर चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, उसकी गहराई में जाया जाए, बार बार गहराई में जाओ, तो क्या हो जाएगा? तुमको भी सब चीज़ याद हो जाएगी। जो तुमने इस तरह से याद किया है वो हमेशा स्मृति में बना रहेगा, परिणाम कुछ और ही होते हैं। मन को बदलने के व्यवहार का नाम है अभ्यास, मन को बदलने के व्यवहार का नाम है अभ्यास, तरीका है मन को बदलने का तरीका। मन को बदल लो, इस तरह से ढाल लो मन को। हम किसी को बच्चे को सिखाते हैं, छोटे बच्चे को, तो उसके अंदर क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ से जन्म लेता है। और लर्निंग के साथ उसकी जुड़ी होती है मेमोरी, स्किल और स्ट्रेंथ। लर्निंग, स्किल और स्ट्रेंथ, ये तीन चीज़ें मेमोरी के साथ चालू होती हैं। आजकल के छोटे बच्चों को देखो तो स्मार्टफोन, छोटे छोटे बच्चे लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते हैं। कई बार पिताजी को कोई चीज़ नहीं मिलती है तो बेटे को देते हैं, तू ढूंढ दे उसमें से। बेटे को नहीं देना चाहिए, वास्तव में नहीं देना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि छोटे बच्चों को इसका एडिक्टिव नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके एडिक्ट बन जाने के बाद वो फिर उनकी नॉर्मल इंटेलिजेंस काम भी नहीं करेगी। फिर हर चीज़ के लिए हमारे यहाँ तो किसी चीज़ को, वर्ड को बोलो और कोई कहता है इसका मतलब क्या होता है, तुरंत गूगल करो, गूगल करो, क्या गल कर रहे हैं, बोले गूगल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या क्या, हर व्यक्ति जिसको देखो उसी में लगा हुआ है। तो बच्चे को बहुत आसानी से, सुगमता से सीखने में आ जाता है अगर इसको दोगे तो। बच्चे बड़ी जल्दी जान जाते हैं। आज अभ्यास योग की कला मनुष्य में, उसकी इंस्टिंक्ट में है, जिसकी जिज्ञासा होती है वो सीखता है, उसे बार बार दोहराता है, वो चीज़ पसंद आ जाती है तो बच्चे उसे बार बार दोहराते हैं।
कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो लैपटॉप इसकी स्मार्टफोन की लैपटॉप की और अन्य चीज़ों की जो मेमोरी है उसके साथ हम खिलवाड़ करते हैं। जब भी जब हम बातचीत समझने की कोशिश करते हैं सुनने की कोशिश करते हैं हम एडिक्ट हो जाते हैं इसके फ़ोन के एडिक्ट हो जाते हैं। फिर हमको इसी की लत लग जाती है। फिर हम बाकी चीज़ों में अपनी बुद्धि नहीं लगाते। हम अपने मन को कई तरीके से प्रशिक्षित कर सकते हैं, कई तरह से उसे संभाल सकते हैं। हमारा मस्तिष्क एक प्रकार का बायो कंप्यूटर है, और मस्तिष्क एक प्रकार का बायो कंप्यूटर है, बायोलॉजिकली बना हुआ है और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, अंदर नर्व्स हैं, प्लेक्सेसेस हैं। तो ये डिवाइस जो डेवलप किया भगवान ने, कंप्यूटिंग सिस्टम विकसित किया मानव मस्तिष्क को ध्यान में रखकर, मानव मस्तिष्क में जो प्रोसेस है, नेटवर्क सिस्टम है, न्यूरॉन्स का नेटवर्क सिस्टम न्यूरॉन्स का है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आज के कंप्यूटर बनाए गए, आज के कंप्यूटर बनाए गए। जो पहला परम पहला सुपर कंप्यूटर बना था, नाम याद है उसको? तो उसका परम, इसको बनाने वाले कौन थे? विजय भाटकर, डॉक्टर भाटकर यहाँ आ चुके हैं, दो तीन बार आ चुके हैं, मेरे अच्छे मित्रों में से हैं और उनके साथ कई प्रोग्राम में मैं शामिल हो चुका हूँ। विजय भाटकर साहब ने पुणे में बनाया, पुणे में परम कंप्यूटर बनाया। ये मनुष्य ने ही बनाया है कंप्यूटर, किसी और ने नहीं बनाया, भगवान ने नहीं बनाया, पर भगवान ने ये मॉडल जो बना दिया है कंप्यूटर, ये सुपर से सुपर कंप्यूटर है, बड़ा बड़ा कंप्यूटर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक प्रोसेस दे दी उन्होंने कि बार बार उस प्रोग्राम को रिपीट करने लगेंगे तो हमारा अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास योग युक्तेन, हे अर्जुन तू पार्थ, तू अभ्यास के योग के द्वारा उसको योगी जैसा बना ले अपने मन को, अपने चिंतन में कोई प्रोग्राम डाल दें, डिवाइस फिट कर दें, तो फिर क्या हो जाएगा, वो रिपीट करने लगेंगे, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट इस तरह से होने लगेगा। कभी हमारे हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर में कोई खराबी आ जाए तो प्रोग्राम हैंग कर जाएगा, तो फिर वो नहीं चलेगा। हमारा मस्तिष्क का जो ढांचा है उसकी एक संरचना है जिसमें हमारे चिंतन की चेतना की और चित्त की पढ़ते हैं, चिंतन चेतना और चित्त की पढ़ते हैं। कुछ चीज़ें बाहर से भी आती हैं, कुछ चीज़ें अंदर से उभरती हैं। ये जो अंदर से उभरती हैं ये इसी में होता है, कंप्यूटर में नहीं होता, कंप्यूटर में नहीं होता। हमारे बायो कंप्यूटर में सब कुछ जो होता है वो अंदर से आता है। मानव मस्तिष्क में एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत महान शब्द है, चित्त। चित्त ये जो है ये बड़ा गहरा शब्द है, बड़ा गहरा शब्द है। ये हम उस कंप्यूटर में चित्त नहीं होता, इस कंप्यूटर में चित्त होता है, हमारे बायो कंप्यूटर में। महर्षि पतंजलि ने तो चित्त शब्द को लेकर पूरे सूत्रों की व्याख्या कर डाली। ये जो योग दर्शन है पूरे चित्त की व्याख्या पे बेस्ड, पूरे चित्त की व्याख्या पे, जगह जगह चित्त आया, जगह जगह शुरुआत ही उन्होंने चित्त से की। शुरुआत की है कि अति योगानुशासन, अनुशासन में रहेंगे, पर योग चित्तवृत्ति निरोध, योग चित्तवृत्ति का निरोध का नाम है, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो। बस यहाँ से चित्त चालू किया तो आखिरी श्लोक तक उन्होंने चित्त को कंटिन्यू रखा। उन्होंने कहा कि जो हमारी महर्षि पतंजलि ने कहा है, चित्त में जो चीज़ें जमी रहती हैं पिछले जन्मों की, देखो कुछ भी चला जाए पर चित्त कहीं नहीं जाएगा, चित्त आपका कहीं उस जगह जाएगा जहाँ आपका अगला जन्म होना है। चित्त हमारा हम लेकर के जाते हैं, तैरता हुआ चित्त ऐसे आकाश मार्ग से कहीं से भी वहाँ पहुँच जाता है। चित्त हम मर जाते हैं पर हमारी चित्त की जो मेमोरीज़ हैं वो दूसरे जन्म में जहाँ हम जाते हैं वहाँ पहुँच जाती हैं, सारे संस्कार पहुँच जाते हैं। कर्म में उभरा, चित्त में उभरा तो आपके जीवन में घटनाक्रम का रूप ले लेगा। इसलिए जब तक संस्कार का अस्तित्व है वो मिट जाएगा, फिर दूसरा सब उभरेगा, तीसरा उदय होगा। ये हो सकता है कुछ चीज़ें हम बाहर से डालें, कुछ चीज़ें बाहर से पैदा करें, लेकिन अंदर के प्रोग्राम जो दिक्कत करने वाले हैं वो यथावत बने रहेंगे, जो हमारे चित्त में बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं, कुछ ऐसे प्रारब्ध होते हैं, वो डिलीट होते चले जाते हैं ग्रेजुअली, जो भगवान की इच्छा हो तो और हमारे कर्म में हो तो हमारे डिलीट होते चले जाएंगे। कुल मिलाकर ये जो हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी है, इसकी व्यवस्था है, इसका कुछ हिस्सा हमारे हाथ में नहीं है, कुछ हिस्सा हमारे हाथ में है। पूरी जो मैनेजमेंट सिस्टम है इसका, पतंजलि ने कहा जो आप चित्त में लेकर के आए हैं, जो कर्म राशि है, जो संस्कार हैं, वो जैसे जैसे उभरेंगे, जैसे जैसे उभरते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में दिखाई पड़ते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, घटनाओं की सृष्टि होती जाएगी। आप अगर आप उनको हटाना चाहते हैं, अगर आप उन दूषित चीज़ों को, प्रदूषित चीज़ों का, शुभ को हटाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नए प्रोग्राम, कुछ नई चीज़ें, कुछ नई व्यवस्था डालनी पड़ेगी अंदर, न्यू फॉर्मेटिंग, आपके अपने बायो कंप्यूटर की न्यू फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। बायो फॉर्मेटिंग क्या है, न्यू फॉर्मेटिंग क्या है, ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का स्मरण, यानी कि आपकी चेतना को, आपके चित्त को ईश्वरीय चेतना स्पर्श कर ले।
आपके चित्त को, ईश्वरीय चेतना स्पर्श कर ले, तो क्या होगा उससे, वो ईश्वरीय चेतना का अंश जो है आपके अंदर आ जाएगा, अपने प्रभाव में ले लेगा, तो पिछले जो दुष्प्रभाव हैं वो मिटते चले जाएंगे। कई संस्कार, कई अवरोध हमारे जीवन में हैं जो जड़ता के हैं और जो हम जानते नहीं कहाँ से आ गए, पर कई बार आ जाते हैं। महत्वपूर्ण बात ये, अजीब सा लगता है, विचित्र सा लगता है कि हमें जीवन का सब कुछ हमारे अंदर है। कहाँ है? चित्त में। सब कुछ पूरा एक चित्त जो है ब्लैक बॉक्स है। तुमने सुना होगा, नाम सुना होगा कि प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें सारी मेमोरी रिकॉर्डेड होती है, जो पायलट ने को पायलट से या वहाँ अगर उपस्थित हो एयर होस्टेस उससे बात कही होगी, वो सब रिकॉर्डेड रहती है। कौन सा रूट लेना है, किस रूट पे हमको जाना है, जो उसकी बात चल रही है ग्राउंड टर्मिनल से, जो हमारा प्लेन जहाँ जा रहा है वहाँ से, और जो जहाँ से छूटा है वहाँ से, जो उसकी बातचीत चल रही है वो सब रिकॉर्ड हो जाती है, ब्लैक बॉक्स। जब प्लेन का वो हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो हो जाता है, गिर जाता है प्लेन, तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को ढूंढते हैं, ब्लैक बॉक्स कहाँ है, ब्लैक बॉक्स कहाँ है। ब्लैक बॉक्स को मिलने के बाद फिर प्लेन का जो क्रैश हुआ वो पता चल जाता है कि इस वजह से क्रैश हुआ होगा। ये कन्फ्यूज़न में था कि इसको कहाँ उतरना है, इधर चल। अभी पिछले दिनों पढ़ा होगा तुम्हें, दो तीन दिन पहले, कि केदारनाथ एक प्लेन आ रहा था, एक हेलीकॉप्टर आ रहा था, हेलीकॉप्टर आ रहा था और केदारनाथ तक तो पहुंच गया, पर केदारनाथ के यहाँ लैंड करते समय हेलीकॉप्टर दीवार से टकरा गया, तो पूरा के पूरा हेलीकॉप्टर टूट गया, पर एक भी आदमी को चोट नहीं आई। 6 लोग थे उसमें, 6 लोग थे, और पूरा के पूरा हेलीकॉप्टर स्मैश हो गया, पर उसमें ब्लैक बॉक्स जो था उसमें सारी इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन मिली कि हमें आपकी तरफ से सिग्नल नहीं मिल रहा है, हमें आपकी तरफ सिग्नल नहीं मिल रहा है। मतलब वो उतरने की कोशिश कर रहा था, परंतु उतरने की कोशिश के पहले दीवार से टकरा गया। ये सारी की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाती है। भगवान को जब हमारे बारे में पता लगाना होगा तो चित्त से पता लगा लेंगे कि इसके चित्त में क्या है। किसी सदगुरु को पता लगाना होगा कि आपके 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 अंदर क्या चल रहा है, तो चित्त से पता लगा लेंगे। आप पहली बार मिलने गए तो आपका चित्त देख लेंगे। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद का चित्त देखा था, बस प्रकाशित चित्त देखते ही उन्होंने कहा, ये तो हमारे काम का है, और इसी को तो हम ढूंढने गए थे ऊपर, सप्त ऋषियों में से एक ऋषि को हम ढूंढ के लाए थे। ये जो है चित्त जो है अभ्यास, इसको लोड करने का अभ्यास, चित्त को अच्छी चीज़ों से लोड करने का अभ्यास, अभ्यास योग। अब हम जैसे लिखते हैं पढ़ते हैं, क यानी कबूतर, क यानी क से हाथ बनता है, बच्चा सीखता है ना, ए फॉर एप्पल, क से कबूतर, ये जो प्रोसेस है कहीं और मस्तिष्क में जो फीड होती चली जाती है, स्किल फीड होती चली जाती है, जब हम जिसको कुरेदते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलस डालते हैं, तो ए लिखते हैं, तो ए से वो आ जाता है एप्पल, और बी लिखते हैं तो बी से आगे का जो भी वर्ड होगा वो आ जाएगा। हमारा जो व्यवहार है, हमारा बिहेवियर है, कॉग्निटिव सिस्टम, उसको हम चेंज कर लेते हैं, उस सिस्टम फॉर्मेट आ जाता है। छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं हम, छोटी छोटी चीज़ें, एक एक वर्ड्स के वर्ड शब्द के माध्यम, शब्द से हर अक्षर से शब्द आए, ए से अक्षर आया, शब्द आए एप्पल, शब्द से वाक्य आया, वाक्य से व्याकरण आया, व्याकरण को हमने टेंस में बदला, व्याकरण को टेंस में बदला, शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से टेंस, वाक्य से व्याकरण, व्याकरण में फिर हमने उसको टेंस में बदला, पास्ट टेंस, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरह से अंक हमने सीखे, अंक व अक्षर मिलकर के हमारे गणित बन गए, हमें पता ही नहीं चला, और हम सवाल हल करने लगे। ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी फॉर्मेटेड है, पूरी की पूरी। हमने मैथमेटिक्स सीखी, अरिथमेटिक्स सीखी, हमने स्टैटिक डायनेमिक्स सीखी, सूक्ष्मताएँ और जटिलताएँ हम सीखते चले गए। सीखने में जब हम कोई शुरुआत करते हैं, लर्निंग का डेवलपमेंट करते हैं, तो कोई बच्चा इतिहास भूगोल नहीं सीखता, कोई बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं सीखता, कोई बायोलॉजी नहीं सीखता, भले ही पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं की। ये जो है ये एक प्रोसेस है जो पी से पी तक चलती है, पी से पी, पी यानी प्ले ग्रुप, और पी यानी पोस्ट ग्रेजुएट, प्ले ग्रुप से पोस्ट ग्रेजुएट तक निरंतर चलती है सीखने की प्रोसेस। कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग पूरी चलती रहती है। जितने भी आपको सिखाया जाता है, जितने भी आपको पढ़ाया जाता है, साइंस के एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं, बहुत सिंपल एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है, अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान, इसी के माध्यम से PG to PG यानी प्ले ग्रुप से पोस्ट ग्रेजुएट, दो ही हमारे पढ़ाई के स्तर हैं, एक शुरुआत में PG प्ले ग्रुप, दूसरा बाद में हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर बाद में PG ही करके ही आकर के समाप्त करते हैं, या फिर PG से हम और आगे चले जाते हैं। बेसिक्स यही हैं। सीखने की इस प्रक्रिया में लर्निंग मेमोरी बदलती है,
लर्निंग स्किल में बदलती है और एक के बाद एक नई स्किल उसमें जुड़ती चली जाती है। जो हम नई नई स्किल जोड़ते चले जाएंगे वो जुड़ती चली जाएगी। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग का डिसेक्शन हम लोग करते हैं नाइन्थ में, नाइन्थ में फ्रॉग का डिसेक्शन करते हैं तो वो आगे भी फ्रॉग का डिसेक्शन सूक्ष्मतम होता चला जाता है। कोई नर्व निकालो, कोई ब्रेन की नर्व निकालो, कोई ये निकालो, अल्टीमेटली बदलता कुछ नहीं है, जूलॉजी वही की वही यथावत रहती है। भगवान कहते हैं कुछ ऐसी ही बात है, कुछ ऐसी चीज़ें, लगता है राम रटन, राम स्मरण, अक्षर ज्ञान जैसा है, लेकिन उसमें अनेक चीज़ें प्रकट होती हैं। पतंजलि बड़े सिंपल सी बात कहते हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, बस तीन सिंपल प्रोसेस, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान से अनेकों बातें बनती उभरती हैं। तप उसको निखारता है, स्वाध्याय उसको फॉर्मेट करता है, ईश्वर प्रणिधान उसके अंदर दिव्यता लाता है। आप एक क्लास में भटको मत, डिस्ट्रैक्ट मत हो। आप नॉर्मली क्लास में कितने दिन पास हो गए, नॉर्मली कितने दिन पास होते हैं एक क्लास में? एक साल। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरे साथ 19 साल पहले पास किया, वो MBBS पास किया आदमी ने, मेरे साथ MD में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ भी फेल हो गया वो, मतलब मैं उसके लिए सौभाग्यशाली नहीं हुआ। तो ऐसे कई लोग होते हैं मेरे साथ जो बैठे थे, करीब करीब चार पाँच फ्रेश थे और बाकी जो थे वो सब के सब पूरे पुराने थे। कब से चले आ रहे थे? करीब करीब 20-25 साल से चले आ रहे थे। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट था जिनको हम डैडी जी कहते थे, डैडी जी क्यों? क्योंकि वो डैडी थे, वो 20 साल से पढ़े हुए थे हॉस्टल में हमारे, और एग्ज़ाम दिए जा रहे थे, MBBS पास ही नहीं हुआ, पढ़ते चले जा रहे हैं पर पास नहीं हो पा रहे। ये क्या है? ये एक्चुअली रिपीटेटिवली रटन चल रही, कंटिन्यूस चल रही, पर उसमें ईश्वर प्रणिधान नहीं जुड़ पाया ईश्वर के साथ युक्ति। कई बार बाप बेटे के साथ पढ़ते हैं, पिताजी भी MA कर रहे हैं, बेटा भी MA कर रहा है, बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा होता है। अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में थे तो पढ़ने आए DAV कॉलेज कानपुर में, उनके पिताजी का कारोबार सेट हो चुका था तो वो भी आ गए। उन्होंने कहा बेटा हमारे पास अब तो कुछ काम नहीं, हम भी पढ़ लें तुम्हारे साथ। बोले आप हमारे साथ MA करेंगे? तो बोले क्या फ़र्क पड़ता है? तो पिताजी और बेटे जी, अटल बिहारी वाजपेयी उनके पिताजी, दोनों एक ही क्लास में बैठते थे, अटल जी सामने, पिताजी पीछे। बोले हम पीछे बैठेंगे। DAV कॉलेज के बहुत ही ख्याति प्राप्त विद्वान हुए हैं मुंशी, डॉक्टर मुंशी राम, उन्होंने उनको सबको पढ़ाया। और कई बार क्या होता था, अटल बिहारी वाजपेयी क्लास में पहुँचने में लेट हो जाते थे तो उनके पिताजी उनके बदले में अटेंडेंस बोल देते, यस सर। वो कहते थे नहीं बेटा, नहीं बाप, नहीं बेटा, बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ? बोले आता ही होगा, सब घर का सामान लेने गया होगा, आता ही होगा। पिताजी तो पिताजी रहेंगे तो वो तो उनका सम्मान रहेगा, पर पिताजी के साथ बेटे का क्या होगा? बेटा दूध लेने जाएगा, कहीं ना कहीं कोई काम होगा घर का, तो वो करने में पिताजी सवेरे क्लास में पहुंच जाते थे, पर उनका बेटा कभी कभी लेट हो जाता था। अरे भाई हम वाजपेयी जूनियर की बात कर रहे हैं, जो वाजपेयी सीनियर की बात नहीं कर रहे हैं, आप सीनियर हो, आप प्रॉक्सी मत मारा करो किसी की। डांट लगा दी उनको। कपिल ऋषि सांख्य शास्त्र बिन प्रकट बस, कपिल ऋषि के बारे में कहा था, कपिल ऋषि सांख्य शास्त्र बिन प्रकट बखाना, इन्होंने सांख्य दर्शन की रचना की। भगवान कृष्ण महर्षि कपिल को अपने विभूति कहते हैं। सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। उनकी माता की चर्चा करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देव होती पुनि दास कुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। ऋषि करदम की पत्नी थी देवहूति, और देवहूति को आध्यात्मिक ज्ञान किससे प्राप्त हुआ? कपिल मुनि से। इतने प्रतिभा संपन्न, इतने मेधा संपन्न कपिल ऋषि उनके पुत्र के रूप में हुए, जब उन्हें आत्मज्ञान हुआ, दिव्य ज्ञान हुआ, तो माँ ने कहा अब हम कहाँ सीखने जाएं? कई बार माँ बाप संकोच करते हैं, हम कहाँ सीखने जाएं? तो उन्होंने कहा, कपिल मुनि के माता पिता ने उनसे कहा, जो हमारा बेटा सब कुछ जान गया है तो हम उसी से सीख लेते हैं, अध्यात्म ज्ञान जान के हम अनित्य को जाएं। तो उन्होंने उनसे सीखा, माँ ने बेटे से सीखा, बेटे से दीक्षा ले लेते हैं, उसी से प्राप्त कर लेते हैं। अभ्यास योग युक्त, अभ्यास योग से सब कुछ हो सकता है, अभ्यास योग युक्त न, अभ्यास योग से सब कुछ हो सकता है। कब तक होगा? अभ्यास करने वाले के ऊपर निर्भर है, अभ्यास जो कर रहा है उसके ऊपर निर्भर है कि कैसा अभ्यास कर रहा है। अभ्यास में विघ्नों के ऊपर निर्भर है, अभ्यास में सहयोगी तत्वों पर निर्भर है। महर्षि पतंजलि ने अनेक सूत्र बताए हैं, सबसे ज़्यादा अभ्यास पर चर्चा की। अभ्यास वैराग्याम, वैराग्याभ्याम तन निरोध, ये है पतंजलि योग सूत्र का पहले पाद का, समाधि पाद का 12वां श्लोक। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, और अपने चित्त को निरुद्ध करने की बड़ी बात कही उन्होंने, कहा योग चित्तवृत्ति निरोध कुछ नहीं, केवल चित्त की वृत्तियों का निरोध है।
चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाए बस कहानी खत्म, मन में लहरें उठना बंद हो जाए कहानी खत्म। मन में अभी जो लहरें उठ रही हैं वो चित्त की वृत्तियों की वजह से उठ रही हैं, बार 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 ये उठना बंद हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तकलीफ क्या है कि लहरें उठती रहती, मन में कोई ना कोई तरंग लहर उठी जाती है, कोई ना कोई संस्कार आ ही जाता है। तो उन्होंने कहा है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, पहले का बारवा। एक चित्तवृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। वो कहते हैं दो चीज़ों से होता है। गीता में भगवान कहते हैं अभ्यासेन तो कौनते वैरागण से गृहते, ये छठे अध्याय का 35वां श्लोक, छठे अध्याय का 35वां श्लोक 6/35। अभ्यास तो कौनते वैराग्यण से गृहते, अभ्यास से हे कौनते हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से पकड़ में आता है, मन चित्त पकड़ में आता है, उससे आता है। पतंजलि और भगवद गीता एक ही शब्द में एक ही सूत्र को विभिन्न शब्दों में दोहरा रहे हैं। यहाँ इन्होंने गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने और यहाँ पतंजलि ने कहा है। उन चित्तवृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य दो उपाय हैं। चित्तवृत्तियों का प्रवाह परंपरागत संस्कारों के चलते सांसारिक भूख की ओर चल रहा है, उस प्रवाह को रोकने का उपाय है वैराग्य, उसे कल्याण मार्ग में लगाना। एक दोहा है करत करत अभ्यास थे रसरी आवत जात के, सिल पे निशान पड़ जाता है, रस्सी आती है जाती है आती है जाती है, नीचे से बाल्टी लेके आती है फिर जाती है। तो अभ्यास से क्या नहीं हो सकता, अभ्यास करते करते जड़मति यानी जड़ बुद्धि भी ज्ञानी हो जाते हैं। जैसे पहले कुएं का पानी खींचा जाता था, पत्थर से रस्सी खींचते थे, गडारी होती थी, लेकिन पत्थर से खींचते थे रस्सी घिसती थी बार बार, बाल्टी भर के पानी खींचा गया बार बार गहरे निशान पड़ गए। तो रस्सी से पत्थर की शिला पर गहरे निशान पड़ सकते, आप तो पत्थर से अच्छे हो बेटर हो, आप पे निशान क्यों नहीं पड़ते, बार बार पढ़ते हो बार बार पढ़ते हो पर आपके माइंड में इम्प्रिंट्स क्यों नहीं बनते, पढ़ते 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 यहाँ निशान क्यों नहीं बनते, आप कोशिश करो। पत्थर पर निशान आसानी से नहीं पड़ते हैं, अभ्यास से पड़ते हैं, अगर अभ्यास जारी रहे तो ऐसा होता है। हम क्लास में एडमिशन लेते हैं, टाइम टेबल रोज़ बनाते हैं, आज का टाइम टेबल ये है, सुबह इतनी बजे उठेंगे, इतनी बजे हमारा नाश्ता है, इतनी बजे हमारा भोजन है, इतनी बजे हमारी क्लास है, फिर क्लास है फिर क्लास है फिर क्लास है, फिर थोड़ा घूम के आएंगे, फिर महाकाल दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम आकर के इतनी बजे सो जाएंगे, रोज़ टाइम टेबल बनाता है। पर कल का टाइम टेबल खोल के देखना कभी, अगले दिन फॉलो हुआ क्या नहीं हुआ ना, उसका कारण क्या है उसका, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं, हमारा हम अभ्यास नहीं कर पाते उसको। टाइम टेबल पक्का पक्का लिखते हैं, कई बार टाइप लेते हैं टाइम टेबल को, मैं अपने ज़माने की बात बताता हूँ, मैंने भी कई बार टाइम टेबल बनाए, लिख लिख के टांगा कैलेंडर पे लगा दिया, कई बार टाइप भी कर लेते हैं, चिपकाया दीवार में, चिपका ना दिमाग में थोड़ी चिपका, दीवार में चिपका वो दिमाग में थोड़ी चिपका। टाइम टेबल की व्यवस्था आपने जो बनाई, इतनी बजे करेंगे, इतनी बजे सोएंगे, इतनी बजे जगेंगे, इतनी बजे घूमेंगे, आपने सुबह अलार्म लगा दिए, सुबह उठते अलार्म जैसे बजा वैसे घड़ी को दे मारा, डिस्टर्बिंग एलिमेंट ये डिस्टर्ब करती है हमको, तो घड़ी पे जोर से हाथ मारते हैं ताकि बंद हो जाए, क्यों डिस्टर्ब करती है सवेरे सवेरे, पर रात में तो आप ही सोच के आपने सुबह का समय लिखा था। ये एक एक मिनट का आपने हिसाब बना लिया, लेकिन बना लिया पर वो आपने अपने दिमाग में चिपकाया नहीं, दिमाग में चिपकाने लगेंगे जिस दिन वो लग जाएगा। दिमाग में चिपकाना मतलब उसको लगाओ चिपकाओ अभ्यास योग के माध्यम से, युक्ता नाम उसको वहाँ लगाओ, अपने टाइम टेबल को, अपने रोज़मर्रा के जीवन के रूटीन को, अपने रूटीन को कैसे व्यवस्थित बनाना है। ये किसने व्यवधान डाला आपके टाइम टेबल में, आपके दो चीज़ों ने डाला, आलस्य ने और प्रमाद ने। आलस्य क्या है, भगवान महर्षि पतंजलि अभ्यास योग में आलस्य क्या है, शारीरिक। प्रमाद क्या है, मानसिक। दोनों क्या हैं, तमस। ये तमस शारीरिक तमस यानी आलस्य, मानसिक तमस यानी प्रमाद। प्रमाद प्रोक्रेस्टिनेशन, इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, आज घंटी बजने तो कोई दिक्कत नहीं है, या घंटी नहीं बजेगी हम बंद कर देते हैं। फिर क्या आया, बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई। महर्षि पतंजलि अभ्यास योग के विघ्नों को गिनाते हैं सुनाते हैं, वे एक को कहते हैं विशेष अंतराय, एक को कहते हैं विक्षेप सहभू। ये जो है मैं जो बता रहा हूँ ये पतंजलि योग सूत्र में है, अगर आप लोग योग के स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और मैं अभी जो एक बहुत ही संक्षेप में समराइज में बताऊंगा, व्याधि स्थान वो कहते हैं
व्याधि स्थान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वान वस्तुवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। बड़ा लंबा श्लोक है, बहुत लंबा श्लोक। इसमें क्या, व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनुवस्थित तत्व। अब जरा इनको एक एक को समझ लेते हैं अच्छी तरह से। ये क्या है, नो विक्षेप है, विशेष अंतराय गिनाए जाते हैं, ये अभ्यास के विघ्न हैं। आप कितना भी कुछ करो आपके रास्ते में विघ्न आएंगे, इनको अगर समझ लोगे तो फिर विघ्न से मोर्चा ले सकते हैं। इन विघ्नों को क्षीण करने के लिए अभ्यास बना रहे, जैसे जप का अभ्यास है, प्राणायाम का अभ्यास है, होता है अभ्यास, निरंतर हो जाता है, तो किसी प्रक्रिया का अभ्यास तो अभ्यास बने रहेंगे। गुरुदेव ने लिखा है कि 24 लाख के 24 महापुरुषण हमने किए, आपको लगता हो कैसे किए होंगे, बड़ा कठिन लगता है, 24 वर्ष तक लगातार लगे रहे होंगे, गायत्री के प्रश्न होंगे। समस्या ये नहीं है कि 24 वर्ष में गायत्री के 24 प्रश्न की समस्या है, 24 वर्ष टिककर करना बहुत बड़ी बात है, पर गुरुदेव ने किया, टिककर किया। 24 वर्ष का स्वस्थ रहना आसान है, समस्या ये है कि 24 वर्ष हमको भी हो गए अपने मकान में रहते हुए, अपने कमरे में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए, भगवान करे आपको यूनिवर्सिटी में रहते हुए 24 साल नहीं हो जाए, मतलब कि फिर पास हो नहीं हुए, पास नहीं हुए, 24 वर्ष हो रहे, हम ही पास कर देंगे भैया, तुम चिंता मत करो, हमको भी आगे के स्टूडेंट ढूंढना है ना। 24 वर्ष क्या किसी कार्य को निरंतर किया जा सकता है, 24 वर्ष क्या किसी कार्य को नियंत्रित किया जाता है, हाँ, अगर हमारी चेतना अन्य मार्ग पर न जाए, न अन्य गामिना, पहले जो शुरू शुरू में लिखा था तुमने वहाँ श्लोक था, न अन्य गामिना, किसी दूसरे मार्ग पर न जाए तुम्हारी चेतना, तो ऐसा हम संभव हो सकता है। पर जब अभ्यास साधना की बात करते हैं, आध्यात्मिक जीवन पद्धति की बात करते हैं, उसके साथ तब जुड़ जाता है अनिवार्य रूप से, बिना तप के, बिना स्वाध्याय के, बिना ईश्वर भक्ति के ये अंतराय जाते नहीं हैं, ये अंतराय कहलाते हैं, आंतरिक विघ्न, अंतराय, आंतरिक विघ्न जाते हैं, क्षीण नहीं होते, उभरते रहते हैं। कोई आप अनुष्ठान करो, कोई साधना करो, कोई नियम से काम करो, सिंपल बात है, रविवार का, गुरुवार का, मंगलवार का व्रत, मेरा तो व्रत है, पर क्या हुआ, जब सामने कोई चीज़ आई और वो हमको पसंद है तो हम क्या करते हैं, चलो कल खा लेंगे, कल कर लेंगे व्रत, आज खा लेते हैं, टूट जाता है, तुरंत टूट जाता है। सिंपल बात है, मान लीजिए हमने रविवार का व्रत लिया, लेकिन व्रत में इतनी जल्दी मंगलवार आ गया, अरे राम, हमने तो मंगलवार कल ही किया, मेरे ख्याल 2-3 रोज पहले ही किया था मंगलवार, फिर से मंगलवार आ गया, चलो कोई बात नहीं, आप समझौता कर लेते हैं, बड़ी जल्दी रविवार आ गया, क्योंकि जो व्रत है वो हमारे स्वभाव का अंग नहीं बना। व्रत को स्वभाव का अंग बना लो, पढ़ाई को स्वभाव का अंग बना लो, हमारा जो अभ्यास है वो निरंतर चलता रहे, वो हमारे स्वभाव का अंग बन जाए। जिस दिन हम अस्वाद भोजन करते हैं, नमक नहीं खाते, शक्कर नहीं खाते, या शक्कर खाते हैं तो नमक नहीं खाते, तो नमक कहीं चुपता रहता है, हमको हर दिन चुपता रहता है, हर दिन नमक खाते हैं तो याद नहीं आती, पर एक दिन नमक नहीं खाते हैं तो याद आ जाती है नमक, और फिर व्रत में लेटे लेटे सोचते हैं ये बिना नमक के और क्या क्या चीज़ बन सकती हैं, बिना शक्कर के क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। अभ्यास योग होता ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ें दिमाग में जड़ जमा के बैठी हुई हैं वो प्रकट हो जाती हैं। तो पतंजलि कहते हैं दूसरे पाद, दूसरा वाला जो है उसमें, उसके प्रथम में, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान से क्लेश क्षीण होते हैं, क्लेश क्षीण होते हैं। ये जो क्लेश हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने अभी 10-12 श्लोक, 8 क्लेश गिना दिए ना, ये क्षीण होते जाएंगे धीरे धीरे, किसके माध्यम से, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। वह जो चीज़ें उभरती हैं वो सब जटिल होती चली जाएंगी, धीरे धीरे धीमी होती जाएंगी। क्या उनके लिए हमारी तैयारी है, क्या हमारे पास इतनी ऊर्जा है? तो पतंजलि कहते हैं व्याधि यानी बीमारी, बीमारी दो तरीके की होती है, एक जो प्रारब्धजन्य बीमारी होती है, जो प्रारब्ध में आनी है, हमारे प्रारब्ध में लिखी हुई है, प्रारब्ध में एक बीमारी लिखी हुई है, प्रज्ञापराध, हमारी प्रज्ञा अपराधग्रस्त हो जाती है, तो ऐसी कोई बीमारी हमको तो नहीं आ रही। बड़ी बीमारी आती है प्रारब्धवश, एक बीमारी होती है जो परिस्थितिजन्य होती है, छींक आ गई, मच्छर काट गए, मलेरिया हो गया, ये क्या है, बरसात का मौसम है, जाड़े का मौसम है, भीग गए, सर्दी लग गई, हमारे शरीर में इतनी जीवनी शक्ति, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी दृढ़ता, इतनी मजबूती चाहिए, टेहरी में ऊपर जो पहाड़ पे है जहाँ से गंगा आ रही है, वहाँ टेस्ट चल रहा है इस समय आर्मी में भाग लेने वाले जवानों का, वो कौन भाग लेने वाले कौन है, पहाड़ के नौजवान, सबके सब सेना में, आर्मी में नौजवान बनना चाहते हैं, जवान बनना चाहते हैं, तो सबकी किसी की चेस्ट ऐसी, तो उनसे फिर वो लोग कहते हैं, बड़े वाले बड़े बॉस उनके, थोड़ा ज़रा और चेस्ट फुला, बोले कितना फुलाऊँ, इससे ज़्यादा नहीं फुला सकता, क्यों, सर्दी हो गई मेरे को इस वजह से, या मेरा जुकाम हो रहा है, ये हो रहा है। जब परिस्थितिजन्य कोई व्याधि आ जाए तो हमारे अभ्यास में विघ्न आ जाता है।
करीब करीब 5,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस वो लोग थे एडमिशन के लिए वहाँ उसके लिए, उसमें केवल 100 लोग चुने गए जवान के रूप में। शर्म की बात है हम लोगों के लिए, भाई जवान चुनना है तो जवान तो जवान ही होना चाहिए ना। जवानी जवानों, जवानी नहीं है अगर तुम्हारे पौधों में पानी नहीं है। अगर पानी नहीं है तो क्या फायदा, रवानी नहीं है, जवानी नहीं है। इसलिए जवानी ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल लगे दिखे। व्याधि तो आए संस्कार में, अगर व्याधि है तो प्रारब्ध में अगर व्याधि है तो आएगी, लेकिन इसके साथ हमारे अंदर इतना प्रकाश हो कि उस व्याधि का अंधकार बढ़ने ना पाए। हमारे अंदर इतना प्रकाश हो, हमारे अंदर तैयारी होनी चाहिए। बीमारी ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। बीमारी खर्क सबको आती है, हमको भी आ सकती, पर हम बीमारी से लड़ने में अपने आप को सक्षम माने, हम लड़ सकते हैं। हम गायत्री मंत्र को जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, ओंकार का जप करते हैं, इसका खाने पीने से क्या संबंध है? जब तो हम खा पी कर भी कर सकते हैं। जब कहते हैं ऐसा भोजन में अनुशासन रखेंगे तो क्यों रखेंगे? क्योंकि हमारा दो सूत्र हैं, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले स्वस्थ शरीर हमको बनाना पड़ेगा, फिर स्वच्छ मन बनाना पड़ेगा। अगर स्वस्थ शरीर और स्वच्छ मन न हुआ तो अभ्यास नहीं कर पाएंगे, अभ्यास नहीं कर पाएंगे। स्वच्छ मन बहुत जरूरी है, अभ्यास संभव नहीं हो पाएगा। शरीर का स्वास्थ्य गड़बड़ाया, मन में मलिनता आई तो अभ्यास क्षीण हो जाएगा। पतंजलि बताते हैं विशेष अंतराय की चर्चा करते हैं, इस बात करते हैं सारे विघ्न शारीरिक नहीं है, केवल व्याधि विघ्न नहीं है, स्थान अकर्मण्यता भी विघ्न है। अकर्मण्यता जो उन्होंने इसी श्लोक में बताई जी कि प्रमादालस्य निद्रा भी व्याधि स्थान, ये अकर्मण्यता। जो दूसरा है आधा स आधा त थान स्यान 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 जो है इसको अकर्मण्यता कहते हैं। अकर्मण्यता काम नहीं करना, वो अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, कह गए सबके दादाता राम। तो ये जो पढ़े हुए हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम में देरी है बहुत, पढ़ लेंगे फिर से पढ़ लेंगे। ये जो पढ़े हुए लोग हैं ना, ये अजगर हैं पूरे के पूरे। भाई कब पढ़ोगे तुम? रोज पढ़ो ना, निरंतरता निरंतरता निरंतरता, बिना किसी उसके रेगुलरली, रेगुलरिटी अगर हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ये स्यान है, स्यान ये जो है ये हमारा अकर्मण्यता विघ्न है। काम करने का मन नहीं हो रहा, अरे मन नहीं लग रहा है, तो मन नहीं लग रहा है। शरीर तो ठीक है लेकिन मन ठीक नहीं है, कल देखेंगे। अकर्मण्यता, अकर्मण्यता में विघ्न तो शारीरिक है लेकिन इसकी जड़ें मानसिक है। मन में अंधेरा है, मन की मलिनता है अकर्मण्यता, मन की मलिनता है अकर्मण्यता। अकर्मण्यता आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल सोचेंगे, कल याद ही नहीं आएगा आपको, कल याद ही नहीं आएगा। हम सवेरे सवेरे बैठ जाए पढ़ने के लिए, सवेरे सवेरे क्लास लेना है, क्लास करना है, मन नहीं करना है, मन नहीं कर रहा है क्लास में जाने का। फिर उसके बाद शान स्यान के बाद क्या है, फिर है अकर्मण्यता के बाद संशय, हमको डाउट है जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, इतने वर्षों से कर रहे हैं, इतना साल हो गया। संशय जो विघ्न है वो मन का है, पहला था व्याधि, दूसरा स्यान, तीसरा है संशय। तन का विघ्न नहीं है, ये भी मानसिक विघ्न है। इसलिए अभ्यास योग की याधना की जो साधना की जो परम महत्वपूर्ण बात है, परमम पुरुषम दिव्यम याति, परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन, रिपीटेडली चिंतन करो मेरा अभ्यास योग युक्तेन। चेतना की दिशा बहके नहीं, चेतना की दिशा भटके नहीं, चेतना की दिशा एक साथ ऐसी ऐसी चले, अभ्यास बराबर बना रहे। और संशय हो गया तो इतने वर्षों से कर रहे हैं तो क्या हो गया, अच्छा खाना भी तो इतने वर्षों से खा रहे हैं, कहीं मोटे भी नहीं हुए हम, तो स्वस्थ भी नहीं हुए हम, तो ऐसे ही हैं हम, तो कभी कभी बीमारी हो जाती, जैसे कि तैसे हैं। तो ये संशय, दिस इज डाउट ओनली ऑन योर ओन कैपेबिलिटीज़, अपने ऊपर डाउट्स, संशय। आपकी साधना विधि में, साधना मार्ग में आपको संशय होने लगता है। जो कोई मिल जाए उसके बाद पास जाके आप पूछते हैं, भाई हमारी साधना ऐसी है इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं है, आप बताइए, महाराज जी आप बताइए, स्वामी जी आप बताइए, फालतू टाइम वेस्ट करते हो आप लोग। पर रामकृष्ण परमहंस से कहानी कहते थे, एक आदमी कुआं खोदने गया, कुआं खोदने गया, 5 फीट खोदा, पानी नहीं निकला। किसी ने कहा यहाँ थोड़ी मिलेगा, थोड़ा आगे आगे खोद के देखो। उसने इस तरह से करके कम से कम 25-30 छेद कर लिए, कोई 5 फीट किया, कोई 6 फीट किया, 5 फीट किया, 6 फीट किया। अगर उसने एक स्थान पर 60 फीट खोदा होता तो पानी वहीं मिल जाता उसको, एक ही स्थान पर 60 फीट खोदा होता, नहीं मिलता। मन में संशय घुस गया ना, संशय के कारण वो बार बार उसके अभ्यास में विघ्न पड़ रहा है। फिर है प्रमाद, आलस्य संशय प्रमाद, आलस्य प्रमाद, मन में संशय घुस गया, अभ्यास में विघ्न। अभ्यास में जो मूलतः सहयोगी तत्व है वह स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन। प्रमाद हमारा मलिन मन का उत्पाद है, बाय प्रोडक्ट है, मेले मन का बाय प्रोडक्ट है प्रमाद।
प्रमाद मन की मलिनता है, प्रमाद आगे सोचे चलो देखेंगे सोचेंगे विचार करेंगे, और आलस्य क्या है, इसी का शारीरिक रूप है, मानसिक तमोगुण है, बार बार यूं करते हैं अरे आज नहीं करने का मन है, आज नहीं करने, प्रमाद शरीर में निकलता है, शरीर में निकलता है, और मानसिक तमोगुण है, मानसिक तमस है, और आलस्य शारीरिक तमस है, फिर अविरति, इसके बाद अगला है अविरति, मन नहीं लगता, अविरति का मतलब होता है मन नहीं लगता, रति नहीं हो सकती, रति नहीं हो सकती, आलस्य आ गया, प्रमाद आ गया, और संशय आ गया, तो उसके बाद फिर अविरति, विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने से उनमें आसक्ति हो जाने के कारण जो चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाता है, वैराग्य का अभाव अविरति कहलाता है, अविरति वैराग्य अपोजिट अविरति, और ये अविरति जो होती है इसकी वजह से हम जुड़ नहीं पाते, भगवान से जुड़ नहीं पाते, अपने साधना से जुड़ नहीं पाते, रति माने लय, रिदम, रति माने लय, रिदम, रिदम नहीं बन पाती, बार बार जैसे हम साधना करते हैं जप करते हैं तो मन में भाव उभरते हैं, रामायण का पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो मन में भाव पैदा होते हैं, ये हमारी रति है। कई लोगों को देखा होगा आपने, मैं तो उस कैटेगरी में नहीं आता, मैं तो जब जरूरत पड़ती है तो उन ग्रंथों को पढ़ता हूँ, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सुबह से शाम तक में 3-4 घंटे निकालते हैं, इसके लिए 5 घंटे एक ही ग्रंथ को पढ़ते हैं, बराबर पढ़ते हैं, क्यों, उनके मन में रति पैदा हो गई है लगा, पर वो मन में नहीं बैठी, अंदर तक नहीं बैठी जाके, अंदर तक जाके तब बैठेगी जब वो अभ्यास बन जाएगी, अभ्यास बन जाएगी तब, अभ्यास नहीं बन पाती, भाव नहीं है अविरति, भाव ही खत्म हो जाते हैं, भाव ही शून्य हो जाते हैं, जिज्ञासा ही थम जाती है, अगर रति रहती है तो हमारी साधना है उसमें नई नई कोपलें खिलती रहती हैं, रति। हमको कभी सपना देख लिया हमने तो हमको भ्रांतियाँ दिखने लगती हैं बहुत सारी कि हमारा मन गड़बड़ा गया, आज आपको सपना देख लिया, अब साधना करने का मन नहीं कर रहा है, जब करने का मन नहीं कर, फालतू की बातें हैं, क्या फ़ायदा। अब इसके आगे कहते हैं पतंजलि, भ्रांति दर्शन आ जाते हैं, बहुत सारे भ्रांति दर्शन सपनों में दिखाई पड़ते हैं, नींद में दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद अलब्ध भूमिकत्व आठवां है, साधन करने पर भी योग की भूमिकाओं का अर्थात साधन की साधना की स्थिति को प्राप्त न होना, इसे साधक का उत्साह कम हो जाता है। बहुत दिन से साधना कर रहे हैं, बहुत दिन से अभ्यास कर रहे हैं, कोई उपलब्धि नहीं मिली, उपलब्धि का अभाव, उपलब्धि न मिलना, उपलब्धि का अभाव, जब उपलब्धि नहीं मिलती तो आदमी के मन में डाउट्स पैदा हो जाते हैं, अब क्या होगा, इससे क्या होगा, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, इतने दिन से कर रहे हैं पर कोई फ़ायदा नहीं। तो 2 दिन गया, 6 दिन बाद गया, चाहे किस चीज़ का अभ्यास करो, क्लास में जाते हो, अगर पढ़ाया जाए तो 6 महीने का सेमेस्टर है आपका, 6 महीने का सेमेस्टर है ना, पढ़ाई कितने दिन होती है 6 महीने में, 90 दिन होती है ना, और कोर्स बनाया जाता है 90 दिन का, इसमें छुट्टियाँ पड़ेंगी, फंक्शन होंगे, तुम्हारे इस स्टेज पर, मेरे पीछे वाला स्टेज पर डांस वगैरह होंगे, प्रोग्राम होंगे, नाटक होंगे, सब कुछ करने में, परंतु 60 दिन भी अगर हम ठीक से नहीं पढ़ पाएँ तो फिर क्या फ़ायदा, 60 दिन पढ़ लो ठीक से तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अंतराएं चलती रहेंगी और अंतराएं आपको डिस्टर्ब करती रहेंगी, साधना के साथ हम चाहे गायत्री जपें चाहे ध्यान करें, महत्वपूर्ण है योगी का आहार विहार, मैंने जो बताया ना स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन कैसे आएगा, आहार विहार से। आहार का मतलब है खान पान, आपका खान पान सही है कि नहीं, आप कहोगे सर जो आप खिलाते हो कैंटीन वहाँ पे मेस में वही तो खाते हैं, और क्या खाते, और कुछ नहीं खाते, पर और कुछ तो नहीं खाते इसके अलावा, कभी बाहर से नहीं मंगा लेते, कभी कुछ चीज़ आ जाती होगी, कभी कुछ आ जाती होगी, हमारे यहाँ पहले वाले वेच वाले थे वो फाटक पे खड़े रहते थे और सामने में होटल थी उससे बुलवाते थे, ऐसा कोई मतलब अनाप शनाप चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी खाओ सात्विक खाओ, जो भी है जो तुमको मिल रहा है वही खाओ, सब्जी खाओ ज़्यादा, रोटी खाओ, दाल चावल खाओ। विहार यानी योगिक दिनचर्या, विहार यानी योगिक दिनचर्या, विहार का मतलब हमारी लाइफ स्टाइल, विहार का मतलब है युक्ताहार विहारस्य, योगी जैसा आहार, योगी जैसा विहार, योगी जैसा विहार मतलब क्या होता है, वो होता है हमारा लाइफ स्टाइल क्या है। हमारा शरीर साधना नहीं करता, शरीर तो केवल आधार है, साधना तो मन करता है, तो उसके लिए विहार चाहिए, जरूरी विहार जरूरी है। स्वस्थ शरीर के साथ स्वच्छ मन भी होना चाहिए, जिनका शरीर स्वस्थ है लेकिन मन स्वच्छ नहीं है तो अभ्यास योग नहीं कर सकते, तो कहते हैं उनका मन नहीं है, स्कूल नहीं जाएंगे, पेट दुख रहा है, हम लोग छोटे छोटे बहाने बनाते हैं, जब छोटे बच्चे थे पेट दुख रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, बुखार देखो तो नहीं है, बुखार अब था पर चला गया थोड़ी देर पहले, माँ पिताजी के सामने बड़े होने पर बड़े बड़े बहाने बनाते हैं, कई बार हम कहते हैं विचित्र बहाने बनाते हैं कि हमें पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मेरे बाद दवाएं लाने जाना पड़ा, कई बार हम पिताजी को मार भी देते हैं पिताजी मर गए इसलिए मतलब छोटे छोटे बच्चे को बता रहा हूँ इसलिए नहीं आए, मम्मी मर गई थी इसलिए मारते रहते हैं लोगों को नहीं जाते स्कूल, क्यों, स्वस्थ शरीर पर्याप्त नहीं है,
स्वच्छ मन पर्याप्त है। जब तक स्वच्छ मन नहीं होगा तब तक हम कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी। स्वच्छ मन की खासियत क्या होती है? जिस तरह से स्वस्थ शरीर अविराम श्रम कर सकता है, उस तरह से स्वच्छ मन अविराम चिंतन कर सकता है। स्वच्छ मन स्वस्थ शरीर की काबिलियत क्या है? शरीर स्वस्थ है तो निरंतर श्रम कर सकता है, निरंतर श्रम करने की योग्यता होती है। और मन स्वच्छ है तो एकाग्रता, स्थिरता, शांति, प्रसन्नता इसकी योग्यता है। एकाग्रता, शांति, स्थिरता, प्रसन्नता और सहजी एकाग्र हो जाएगा, लर्निंग, मेमोरी, स्किल डेवलपमेंट, एक्सीलेंस सब पैदा हो जाएंगे आराम से, यदि मन स्वच्छ है। अविरति फिर होती नहीं है, फिर कभी नहीं होती। तो उत्साह बना रहता है, अनुत्साह नहीं होता। पतंजलि कहते हैं ये विक्षेप अंतराएं हैं, विक्षेप अंतराएं। फिर विक्षेप सहभू बताते हैं, मैं ज़्यादा जटिल नहीं बना रहा हूँ। ये दुख पांच तरह के दुख हैं, पांच विक्षेप हैं। ये पहले जो मैंने बताए थे, क्या बताए थे? अंतराय। ये हैं पांच विक्षेप। ये है पहले अध्याय का 31वां श्लोक। ये है दुख दोमनस्य अंगमेय जत् श्वास प्रश्वास। ये पांच विक्षेप। हम दुखी हैं, हमारे अंदर उत्साह नहीं है, हमारा शरीर स्थिर नहीं है, तो हमारे श्वास और प्रश्वास की गति गड़बड़ा जाती है। साधना में श्वास की लय टूटना बताता है कि आपका प्राण स्थिर नहीं है। अभ्यास योग में पतंजलि इन विघ्नों की चर्चा करते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद एक योग की क्लास ले रहे थे, उनके एक शिष्य थे, ब्रिटिश शिष्य थे, उनका नाम था ई टी स्टडी। कक्षा लेते रहते, उन्होंने कहा अगर कोई लग करके साधना करे, स्थिर होकर के साधना करे, तो वो उसके सारे जो अंतराय और विक्षेप हैं और ये हैं सहभू, ये सब मिट जाएंगे और आध्यात्मिक तक स्पर्श पाने में 6 महीने लगेंगे। 6 महीने तक लग के साधना करनी पड़ेगी, बात बन जाए अगर मन दृढ़ हो जाए। पतंजलि जब अभ्यास के महिमा बताते हैं तो कहते हैं सतु दीर्घकाल निरंतर सेवितो दृढ़ भूमि। अगर कोई निरंतरता से करे और दृढ़ भूमि बनाए रखे तो कुछ भी नहीं टूटेगा। अब क्या उनके ऑडियंस में था एक ईटी स्टडी नाम का विवेकानंद के, उसमें उसने कहा ऐसा हो सकता है क्या, आप जो बोल रहे सही है? बोले हाँ, मैं करके देखूँ। बोले करके देखो भाई, मेरी बात को ऐसे मत मानो, करके देखो। तो उन्होंने विवेकानंद से कहा आपने जो कहा वो सच है तो मैं करता हूँ। 6 महीने के लिए उसने कुछ और कार्य नहीं करके साधना की, संपूर्ण एकाग्रता, संपूर्ण श्रम, संपूर्ण शरीर और मन को वज्र की तरह से एक यंत्र बनाकर उसने अवरोधों को तोड़ा। उसने 6 महीने अपने को बंद कर लिया कमरे में, सब कुछ छोड़ दिया, मन से सब चीज़ों को त्याग कर दिया। 6 महीने के बाद जब वो स्वामी जी से मिला तो उसने कहा स्वामी यू आर राइट, स्वामी जी आप सही थे, किया जा सकता है ऐसा, मैंने करके देखा और मैंने प्रयोग करके देखा तो हो गया 6 महीने में। जिन्होंने साधना की जिनकी हम बात करते हैं उनमें भक्त ध्रुव की बात करते हैं। भक्त ध्रुव को क्या क्या दिया था नारद जी ने? सूत्र दिया था मधुवन में, मधुवन है ना, मथुरा को मधुवन कहा जाता था पहले। मधुवन में जंगल में निकल गए नारद जी ने, उनको कहा नमो नारायण, इसका जप करो बस और कुछ मत करो। अष्ट मंत्र कहलाता है, अष्ट मंत्र, नमो नारायणाय, बस ये जपो, नारायण प्रसन्न होंगे तो वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे मन धुलता चला गया, मन स्वच्छ होता चला गया और उनको जो उनकी माँ से, जो सौतेली माँ से जो पीड़ा मिली थी वो निकल गई। विष्णु भगवान के दर्शन प्राप्त किए। कैसे? स्वच्छ मन। जो प्रधान विघ्न है, जो मन का विघ्न है, वो है स्वच्छ न हो पाना मन का। रामकृष्ण परमहंस ने सभी धर्मों की साधना की, मुसलमान धर्म से पैगंबर के दर्शन किए, अल्लाह का दर्शन किया, ईसाई धर्म की साधना की, ईसा का दर्शन किया और निष्कर्ष रूप में कहा जतो मत ततो पंथ। जितने मत हैं उतने ही पथ हैं। ये इतने सारे हम जो इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं ना आपस में एक दूसरे के साथ कि तुम्हारा पथ सही है, हमारा पथ गलत है, और हमारा पथ सही है, तुम्हारा गलत है, ये गलत है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, यहूदी, इस्लाम और सूफी, इसमें लड़ना गलत है। अरे अलग अलग तरह के पाथ बनाए हैं, पैंथिज्म, बहुदेववाद। बहुदेववाद का मतलब है कि बहुत सारे रास्ते हैं भगवान के पास जाने के, और इस रास्ते से भी जा सकते हो, इस रास्ते से भी जा सकते हो। हरिद्वार आने के लिए रास्ते से आप ढूंढेंगे तो कई रास्ते मिलेंगे, अंत में आके एक हो जाते हैं सब यहाँ आते आते। तो ये बहुदेववाद जो है, ये इसमें आप कुछ भी करो पहुँचोगे तो वहीं। रामलला की साधना की, काली की साधना की रामकृष्ण ने, करते हुए थे स्थिरता लाने के लिए। कृष्ण की गोपी भाव से साधना की, ऐसी स्थिरता लाए, ऐसे मन टिका देते थे, ये सब कैसे संभव है? स्वच्छ मन सारी बाधाओं को पार कर देता है। एक पथ से गए, दूसरे की साधना चालू की तो पहले को भूल गए, दूसरे को चालू कर दिया।
जब हम इस्लाम धर्म की साधना कर रहे थे हम इतने तन्मय हो गए थे, एकाग्र हो गए थे, काली मंदिर आते ही नहीं थे। वो कहते हैं काली के ऊपर हमारी इतनी आस्था थी पर काली मंदिर आते ही नहीं थे, गुजरते ही नहीं थे। नमाज पढ़ते थे, अल्लाह अल्लाह पुकारते, चिल्ला चिल्लाते रहते थे, उसमें भी आंसू आते थे मेरी आंखों में। तो ये रामकृष्ण परमहंस इस तरह का, इसीलिए उनको परमहंस कहा गया, इस तरह का आदमी ही कर सकता है इसको। सभी साधनाएं बिल्कुल विपरीत भाव में थी, इसके बावजूद भी उन्होंने किया, सभी को किया। जिस भाव की साधना करते थे उसी भाव में डूब जाते थे। पतंजलि अभ्यास योग के विघ्न गिनाते हैं। अभ्यास योग में विघ्न क्या है? अभ्यास योग के सहयोगी तत्वों को भी गिनाते, कहते हैं श्रद्धा, वीर, समाधि, प्रज्ञा, ये चार सहयोगी तत्व हैं। श्रद्धा, वीर, समाधि और प्रज्ञा, ये चार सहयोगी तत्व हैं। श्रद्धा, वीर, समाधि और प्रज्ञा। आपकी श्रद्धा यानी आपकी भावनात्मक लय, श्रद्धा का मतलब है आपकी भावनात्मक लय, भावनात्मक ऊर्जा अटूट बनी रहे, भावनात्मक लय अटूट बनी रहे। श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए, श्रद्धा का मतलब है आदर्शों से असीम प्यार। श्रद्धा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आदर्शों से असीम प्यार, हमारी श्रद्धा टूटने ना पाए। श्रद्धा भी कुछ टूटने लायक चीज़ है। अगर श्रद्धा टूट गई इसका मतलब है कि आपने श्रद्धा क्यों रखी किसी के ऊपर, मत रखो, परीक्षा करो, परीक्षा करो, परीक्षा करने के बाद श्रद्धा रखो। पर श्रद्धा जब रख ली तो उसके बाद टूटना नहीं चाहिए, भावनात्मक लय, भावनात्मक ऊर्जा अटूट बनी रहे। वीर का मतलब है पराक्रम, आपका जोश, आपका उत्साह। वीर, वीर शब्द से वीर बना है, आपके अंदर पुरुषार्थ की कामना, इसको वीर कहते हैं। वीर्यवान कहते हैं ना एक शब्द, वीर्यवान, हनुमान जी वीर्यवान से जाने जाते हैं। वीर शब्द से वीर बनाए और पराक्रमी योद्धा बनाए। समाधि का मतलब क्या है? तीसरा, समाधि, समाधि का मन है स्वच्छ मन की चरम सीमा, स्वच्छ मन की पराकाष्ठा। स्वच्छ मन जब ऊंचाइयों तक पहुंच जाए तो समाधि, उसके जैसे बन जाना। स्वस्थ शरीर का प्रमाण क्या है? स्वस्थ शरीर का प्रमाण ये आप कितने मोटे हैं, स्वस्थ शरीर का प्रमाण ये है आप कभी थकते तो नहीं, आप कभी रोगी तो नहीं होते, निरोग हैं, न रोग है न थकान है, शरीर स्वस्थ है, स्वच्छ मन है, स्वच्छ मन की पराकाष्ठा है समाधि। कहीं पर भी पल भर में भी एकाग्र हो सकते हैं। ऐसी जब समाधि की स्थिति आ जाती है आदमी की तो कहीं भी एकाग्र हो सकता है। ऐसे कई लोग होते हैं साधक जो मंदिर में जाते हैं वहीं एकाग्रता आ जाती है, समाधि की स्थिति चली जाती है। ये श्रद्धा वीर की का चमत्कार है जब समाधि की स्थिति आ जाती है। विवेकानंद को ध्यान से समाधि में चले जाते थे और ऐसे चले जाते थे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और मच्छर चारों तरफ लपेटे हुए, पूरी पूरे एक पूरा कारपेट ऑफ मच्छर का मॉस्किटो पूरे शरीर पे लपेट जाता था। पर उनके साथ बैठे काली महाराज जो थे वो मच्छर मारते रहते थे, अभेदानंद जी मच्छर मारते रहते थे। वो कहते थे बाद में तुम्हारा मन कैसे लग गया, तुम तो आँख बंद करके ऐसे बैठे थे जैसे तुम योगी हो। तो बोले हम योगी हैं, रामकृष्ण परमहंस ने हमको योगी बनाया, ठाकुर ने हमें योगी बनाया, तो हमको मच्छर नहीं काटते। बोले मच्छर नहीं काटते तुमको? बोले मच्छर आते हैं अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। मच्छर आके अपना काम करते हैं खून चूसने का, हम भगवान को याद करते हैं, भगवान हमारा खून फिर से बना देते हैं, फिर चालू हो जाता है हमारा मन लगना। स्वच्छ मन को अशांत नहीं किया जा सकता, स्वच्छ मन में ज्ञान होता है, बहुत गहरी से गहरी भावनात्मक चोट भी अशांत नहीं कर सकते। अरे साहब वो हमारे घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, हम बड़े परेशान हैं। नहीं, आप परेशान नहीं हो सकते, आप मत परेशान होइए, मत डिवेट करिए अपनी अटेंशन को, कितनी भी चोट दी जाए आपके मन को लेकिन मन को अशांत नहीं किया जाता। श्रद्धा, वीर, समाधि, इसका परिणाम है प्रज्ञा। लास्ट चौथा, जो चार विघ्न हैं उसमें चार में चार जो विघ्न से पार होने की चीज़ है वो है प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब पवित्र चेतना, प्रज्ञा यानी पवित्र चेतना, पवित्र चेतना, प्रदूषण मुक्त चेतना, डिवॉइड ऑफ पॉल्यूशन, कहीं कोई प्रदूषण नहीं, कहीं कोई प्रदूषण नहीं, ऐसी कॉन्शियसनेस जिसमें कि प्रदूषण नहीं है। प्रज्ञा का मतलब है निष्कलुष चेतना, इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं रितंभरा तस्य प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा रितंभरा हो जाती है, रित में स्थित हो जाती है। प्रज्ञा का मतलब है भ्रांति दर्शन नहीं होंगे, अब आपको कोई भ्रम में नहीं डाल सकता, आपको कोई भूत प्रेत तंग नहीं करेगा। प्रज्ञा का मतलब है सृष्टि की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी ताकत आपको भ्रमित नहीं कर सकती, आपको साधना के पथ से हटा नहीं सकती। महर्षि पतंजलि कहते हैं चार आपके सहयोगी तत्व हैं साधना के, अगर ये बने रहे, ये जो विघ्नों का निवारण करने वाले चार तत्व हैं। फिर से रिपीट करोगे मेरे साथ? श्रद्धा, सब रिपीट करो एक साथ, श्रद्धा, वीर, समाधि, प्रज्ञा। याद रहेगा तुमको, परिभाषा मैंने बोली है और ये किताब सब जगह अवेलेबल है, सबके पास है, लाइब्रेरी में भी खूब सारी कॉपीज हैं इसकी, और इसको उठाना। इसके जो प्रश्न नंबर बता देता हूँ मैं, पृष्ठ 23 पे है ये। एक ही किताब है,
20वां श्लोक पहले का है, 20वां सूत्र, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। दूसरे साधकों का निरोध रूपी योग श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक क्रम से सिद्ध होता है सहयोगी तत्व साधना में। सबसे बढ़िया किताब है ये, छोटी सी किताब है परंतु इसने इसका थोड़ी डिटेल व्याख्या हमने लिखी है उसमें अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान में, उसको पढ़ना हो तो वहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप 5 याद रहेंगे ना। अब ये 5 आ जाने के बाद क्या हो जाएगा आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता, 4 सहयोगी तत्व हो गए। तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान, तप में तपस्या में निरंतरता बनी रहे, तन के मन के विघ्न दूर होते रहें, 4 सहयोगी तत्व रहे तो सहयोग बना रहेगा, ऐसा रहा तो भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना। अभ्यास योग बना रहेगा, चेतना को सही दिशा देगा, अगर तुम इसको दूसरे रास्ते पर न जाने दो। हम लोग कई बार डेविएट हो जाते हैं, दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। अभ्यास योग में आप बैठेंगे चेतना दिशा में नहीं जाएगी, इच्छित दिशा में जाएगी। परमम पुरुषम दिव्यम याति, अगर आप उस परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं अनुचिंतन उन्हीं का चिंतन करते हैं, उनका आपके अंदर परमात्मा चेतना का अवतरण होगा। अभ्यास योग से कुछ भी संभव है, लेकिन संभव तब है जब आपकी लाइफस्टाइल हो ऐसी, केवल मन में सोचने से नहीं, लाइफस्टाइल भी ऐसी हो, जीवन शैली हो, शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वच्छ रहे, मानसिक शक्तियाँ स्वच्छ मन में स्वतः जागृत होने लगती हैं। स्वच्छ मन का मतलब है प्रतिभा, स्वच्छ मन का मतलब है प्रतिभा, सहज प्रतिभाशाली होते हैं स्वच्छ मन के लोग। जो चीज़ जानना चाहते हैं जान जाते हैं, जो सीखना चाहते हैं पल भर में सीख जाते हैं, उनकी एकाग्रता भंग नहीं होती। ऐसा कहते हैं स्वच्छ मन में गणेश जी निवास करते हैं, स्वच्छ मन में विघ्नेश्वर विघ्नहर्ता निवास करते हैं, फिर कोई विघ्न नहीं आएगा, मन में कोई विघ्न नहीं आएगा। मन की मलिनता ही विघ्नों को लाती है, तो मलिन नहीं होगा मन कभी भी। मन स्वच्छ तन स्वस्थ न हो तब भी लक्ष्य मिल जाता है, जैसे स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग की तुमने सुना होगा, पिछली बार मैंने बताया था क्लास में, 14 मार्च 2018 के दिन उनका देहावसान हुआ। उनका मन बड़ा लाचार था, उनका तन बड़ा लाचार था, लेकिन मन में प्रतिभा ही प्रतिभा थी उनकी। उन्होंने अपने लिए ऊपर शरीर पे पूरे कंप्यूटर की चिप्स लगवा ली थी, जैसा वो बताते गए वैसा लगवाते गए लोग, और जिसके सहारे वो कंप्यूटर द्वारा बोलते थे। उनको मोटर न्यूरॉन डिजीज़ थी, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ एक ऐसी बीमारी होती है जो बिल्कुल क्रिपल कर देती है, और ये हुई उनको करीब जाकर 61 साल में, आखिरी के 20-25 साल उनके ऐसे ही बीते। परंतु उन्होंने बड़ा पावरफुल माइंड था, सबको चुनौती दी, भगवान नहीं है, देयर इज़ नो गॉड, अगर आप चाहें तो भगवान खड़ा कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो भगवान खड़ा कर सकते हैं। वो जो बोल रहे हैं वो सही है, सही है। भगवान कहते हैं अगर शरीर स्वस्थ हो मन स्वच्छ हो तो चेतना अन्य दिशा में बहकेगी नहीं, भटकेगी नहीं, रास्ते के विघ्न आपको न तो भटका सकेंगे न भुला सकेंगे, न कोई भूल भुलैया काम आएगी, न भटकन साथ देगी। ये स्टीफन हॉकिंग, चाहे क्रिश्चियन रहे हों चाहे हिंदू रहे हों कुछ भी रहे हों कैसे भी रहे हों, पर उन्होंने पूरा के पूरा वेदांत का द्वैत का दर्शन समझा, पूरा का पूरा द्वैत, या दो नहीं एक। मैं तुम कहते हो उसको परमेश्वर, मैं कहता हूँ मैं जीव जिसके अंदर ईश्वर बैठा हुआ है, इसके अंदर परमेश्वर बैठा हुआ है। विवेकानंद का कथन साबित होता चला जाएगा कि एक सेमेस्टर बहुत है पढ़ाई करने के लिए सब कुछ हो जाएगा। 6 महीने 60 दिन 90 दिन का सेमेस्टर आप 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, आप पूरे के पूरे 3 साल की पढ़ाई इसमें पूरी कर सकते हैं। आरती करने के लिए आ जाओ। ॐ यं ब्रह्मवेत्ता ततो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथा मे विश्वोद्गते कारणं ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्नुहन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साम्रपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ज्ञानावश्चित्तगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ॐ जय भगवद्गीते, जय जय भगवद्गीते। हरि कमल बिहारी, हरि कमल बिहारी, सुंदर सुकुनी ते। ॐ जय भगवद्गीते, धर्म सुमर्म प्रभासि, कामाशक्ति हराय, कामाशक्ति हराय, तत्त्वज्ञान विकासि, तत्त्वज्ञान विकासि, नित्य
क्या ब्रह्म खड़ा, ओम जय भगवते। निश्चल भक्ति विधाये निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदाय, शरण रहस्य प्रदाय सब विधि सुखकारी, ओम जय भगवते। विधारी कारण मोद सदा, कारण मोद सदा भव भय हार निधारी, भव भय हार निधारी परमानंद सदा, जय भगवान। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी, नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुण दाय, देवी सद्गुण दाय हरि रसिका सजनी, ओम जय भगवते। हरि दुख दीवानी, हरि दुख दीवानी सकल शास्त्र के स्वामी, सकल शास्त्र के रानी, ओम जय भगवते। दया स्वभाव रसावनी मातु पिता की जय, मातु पिता की जय हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे, ओम जय भगवते। जय जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते हरि कमल बिहारी, हरि कमल बिहारी सुंदर सुख गीते, जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। हाथ ऊपर कर लें, प्रार्थना करें कि ज्ञान हमारे अंदर उतरे, अवतरित हो। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगली क्लास ध्यान की होगी 12 तारीख को, मैं 9 तारीख को आ जाऊंगा, 12 तारीख क्लास लेंगे, ठीक। और इसी तरह ध्यान गीता का क्रम चलता रहेगा, बाकी और कोई विशेष क्लास होगी तो हम आपको बता देंगे। आके चले गए थे, चलिए। गुरु सत्ता को नमन। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमुखे सहस्रपादाय सहस्रनामे पुरुषाय शास्त्रे सहस्रकोटि युगधारिणे शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति 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 सर्वार्ष्ट सुशान्तिर्भवतु।